हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रोहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर संडे सीरीज। आज की सीरीज के अंदर हम कुछ बातें करेंगे। जी हाँ, आपको मैं कुछ बताऊंगा फ्यूचर स्मार्टफोन्स के बारे में। आज कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, बस आज एक नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर से इसे जो लाइक करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की सीरीज में हम बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में, यानी कि फ्यूचर स्मार्टफोन के बारे में। जैसे कि आपको पता था कि हाल ही में बहुत सारे फोन्स लॉन्च हुए हैं, जैसे कि एलजी और मोटो जी ने जो फोन लॉन्च किया था, मॉड्यूलर फोन जिनको हम कहते हैं। आपको पता है कि फोन के अंदर आप बैटरी को निकाल के दूसरी बैटरी लगा सकते हैं, कैमरे निकाल के नया कैमरा फिट कर सकते हैं और स्पीकर निकाल के नए स्पीकर डाल सकते हैं। तो फ्यूचर स्मार्टफोन में मेरा एक आइडिया है, मेरा एक ओपिनियन है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में ऐसे भी स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलेंगे जहां पे हम अपने फोन्स के रैम, स्टोरेज, चिपसेट और डिस्प्ले को भी जो है वो स्वैप कर सकते हैं मॉड्यूलर फोन की तरह। जी हाँ, इट इज रियली पॉसिबल। वो कैसे? क्योंकि कभी आपने फ्यूचर में सोचा था कि आपको ऐसे मॉड्यूलर फोन देखने को मिलेंगे? हम तो यूजुअली स्मार्टफोन यूज करते थे, हमें कभी पता नहीं था कि हम अपने फोन्स के कैमरे को चेंज कर सकते हैं, स्पीकर को चेंज कर सकते हैं और बैटरी को स्वैप कर सकते हैं, एक हाई क्वालिटी बैटरी लगा सकते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा था कि ऐसे फोन हमें देखने को मिल सकते हैं? जी हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से फ्यूचर में हमें ऐसे फोन्स मिलेंगे जहां पे हम अपने फोन की जो रैम होगी हम उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे फोन जो 4GB वाला रैम वाला मिलेगा तो हम जो है वो फोन की रैम को 4 से 6 GB भी जो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर LG मोबाइल है और LG मोबाइल ने ऐसा फोन बनाया है मॉड्यूलर फोन, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आपके LG की गैलरी में जा सकते हैं 4GB वाला रैम का फोन लेकर LG उसको जो है वो 6GB रैम वाला फोन जो है रिप्लेस करके हमें दे देगा। जैसे कि हम मॉड्यूलर फोन में रिप्लेस करते हैं वैसे रैम जो है वो उनके पास एक्स्ट्रा रैम होगा 6GB का कंपनी का, वो 4GB वाला रैम हटा देगा और 6GB वाला रैम अंदर फिट करके हमें जो दे देगा। इसी तरीके से हमें जो है वो चिपसेट भी जो है वो स्नैपड्रैगन की, मीडियाटेक की कोई भी चिपसेट अगर लो होती है हमारे मोबाइल के अंदर, हम लेके जा सकते हैं और उसको जो वो रिप्लेस करा सकते हैं और नया चिपसेट जो वो डाल सकते हैं। ये एकदम से पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो जमाना है, हम देख सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें क्या क्या फ्यूचर में देखने को मिलेगा। आपने कभी सोचा था कि आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगा? हम तो सिर्फ फोन यूज करते हैं। स्मार्ट वॉच, आपको पता है कि फोन के घड़ी के अंदर, आपके वॉच के अंदर आपको फोन यूज करने मिलता है। ये फ्यूचर में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे फीचर हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो ये प्रूव कर दिया है कि हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है और हम कुछ भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो इसी तरीके से मैंने ये सोचा था कि फ्यूचर में हमें ऐसे भी फोन्स देखने को मिलेंगे जहां पे हम अपने फोन के रैम को भी जो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, नए फोन खरीदने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद से, आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं, स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे हम अपने पीसी के रैम को एक्सपांड करते हैं, पीसी के स्टोरेज को एक्सपांड करते हैं, पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड को एक्सपांड करते हैं, इसी तरीके से अपने फोन्स को भी हम जो फ्यूचर में एक्सपांड कर सकते हैं। शायद से टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं होगी या किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन अगर सोचा भी होगा तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की, बहुत बड़ा इनका जो है वो बोलते हैं इनोवेटिव सिस्टम होगा जहां पे ऐसे फोन्स भी बनेंगे फ्यूचर में जो हम या ऐसे फ्यूचर का फायदा जो उठा सकते हैं। तो पर्टिकुलर कंपनी होगी, उनकी अपने गैलरी होगी, अपने सिस्टम होगी जहां पे अपने फोन्स को लेके जाएंगे और बोले कि मुझे यार इसमें 3GB रैम नहीं है और मुझे इसके अंदर जो वो 1-2 GB रैम और बढ़ाना है। आप अपने फोन को लेके जाएंगे, जो भी उनका चार्जेस होगा 500, 1000, 2000 रुपीज आपको देना है और आपको उसके रैम को एक्सपांड करना है और अपने फोन्स को घर पे लेके आना है। पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हम पीसी में करते हैं वैसे हम जो अपने फोन में भी कर सकते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में आज मैंने बात किया हो तो ये मैंने ओपिनियन आपसे शेयर किया कि फ्यूचर में हमें रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले भी, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले भी ऐसे हो गए कि अपने डिस्प्ले को जो मूवेबल डिस्प्ले हो गया, आप अपने डिस्प्ले को निकाल सकते हैं और नए डिस्प्ले लगा सकते हैं। जी हाँ, ये भी सिस्टम आपको देखने को फ्यूचर में बहुत जल्दी मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो को बोलना नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हूं तो आपको याद होगा कि अगर जब ऐसे फ्यूचर में फोन आएंगे तो आपको मेरी याद आएगी, टेक्नो रोज ने ये फ्यूचर के बारे में बताया था कि ऐसे भी फ्यूचर में फोन अपने देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, हाईली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे, क्योंकि जो सोचते हैं वही चीज टेक्नोलॉजी में जो एंटर हो जाती है। आज हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसे भी फोन देखने मिलेगी जहां पे अपने स्किन से आप जो है वो फोन को नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे फोन पे सैमसंग अभी काम कर रहा है, यानी कि आपके स्किन जो वो टच स्क्रीन होगा और आपके फोन जो है वो उसके ऊपर जो वो नेविगेट करेगी। ये भी फीचर हमें देखने को मिलेगा। वीआर हेडसेट के बारे में किसने ने सोचा था कि आपके फीचर वीआर हेडसेट लगाएंगे और वहीं पे बैठे बैठे आप थिएटर का 360 डिग्री का फीचर, फोन का एनवायरमेंट का मजा ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसे कुछ देखने को मिलेगा,
लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी और ये जमाने ने हमें सब कुछ देखने को मिल गया, तो क्यों नहीं रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले और चिपसेट का भी एक मॉड्यूलर फोन बन जाएगा और वहां पे हम उसको भी जो है चेंज कर लेंगे और उसका भी जो फायदा उठा लेंगे। तो बस ये वीडियो में आपको यही बताना था एक अपने नए आइडिया के और ओपिनियन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा और अपना आइडियाज, अपने व्यूज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हमें कैसे फोन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे ही कोई अच्छा आइडिया है तो आप जरूर से उसे शेयर करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे आइडिया से कभी पता नहीं किसी को मिल जाए और ऐसे ही फ्यूचर में हमें जो टेक्नोलॉजी में यूज कर ले तो बहुत ही फायदा होगा हमें भी और हमारे जो टेक्नोलॉजी को भी। तो जरूर से बताइएगा कमेंट करके आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कैसे फोन हमें देखने को मिल सकते हैं, और मैंने तो अपनी राय बता दिया। तो बस आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और इसी तरीके से एवरी संडे मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस देता रहूंगा जिससे आपसे मैं कनेक्टेड रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।